जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना और हावड़ा के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के बारे में कि आखिर दोस्तों इस ट्रेन को अभी तक इनॉग्रेट क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है। साथ ही बात करेंगे कि अगला लॉन्चिंग डेट क्या हो सकता है पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की। ये ट्रेन अपने कमर्शियल रन में कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है, इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों बिहार की दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो कि पटना और हावड़ा के बीच में चलाई जाने वाली है, लोगों को अभी भी इस ट्रेन के चलने का इंतजार है और 1 अगस्त को इसका रेक बिहार के पटना जंक्शन पहुंचा था, लेकिन आज डेट है 24 अगस्त 2023 और अभी तक इस ट्रेन का इनॉग्रेशन इंडियन रेलवे ने नहीं किया है। हालांकि दोस्तों इसका पहला और दूसरा ट्रायल रन पूरा हो चुका है और बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि इसका तीसरा ट्रायल रन भी इंडियन रेलवे ने ले लिया है, हालांकि इसको लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि पटना और हावड़ा के बीच में चलाई जाने वाली इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन अब आपको आगे कब तक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों 28 से 30 अगस्त के बीच में पटना से हावड़ा के बीच में चलाई जाने वाली इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इसको लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, ये बस उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक इस ट्रेन का इनॉग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है जिससे हम इस ट्रेन की चलने की कंफर्मेशन माने। यहाँ पर बात कर ले कि अपने कमर्शियल रन में ट्रेन पटना और हावड़ा के बीच में कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है, तो ये ट्रेन पटना से खुलने के बाद पटना शाही मोकामा लखीसराय जसीडी आसनसोल रुकते हुए हावड़ा तक अपने सफर को पूरा करेगी। हालांकि दोस्तों पटना साहिब में स्टॉपेज होगा या फिर नहीं होगा इस पर अभी भी क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि पटना जंक्शन से पटना साहिब का डिस्टेंस है मात्र 3 किलोमीटर और इतने कम दूरी पर वंदे भारत का स्टॉप देना इंडियन रेलवे को सही नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि पटना साहिब में इस ट्रेन का स्टॉपेज आपको न देखने को मिले। तो अगर हम पटना साहिब को यहाँ पर हटा दें तो भी ये ट्रेन पटना से खुलने के बाद मोकामा लखीसराय जसीडीह और आसनसोल पर रुकने वाली है और यहाँ पर दोस्तों इनॉग्रेशन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों का यही कहना है कि पीएमओ से संकेत मिलने के बाद ही रेल मंत्रालय से इस ट्रेन के उद्घाटन की तिथि और शेड्यूल जारी हो पाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अगस्त के महीने में काफी ज्यादा अभी बिजी हैं और अगस्त का महीना अभी तक उनके लिए एक बहुत ही व्यस्त महीना साबित हुआ है और यही वजह है कि हमारी ये वंदे भारत ट्रेन अभी तक हमें पटरी पर देखने को नहीं मिली है। और अभी की बात कर रहे तो हमारे देश के पीएम अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका में है और साउथ अफ्रीका दौरा कम्प्लीट करने के बाद वो इंडिया आ सकते हैं, देन इन ट्रेनों का इनॉग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले महीने 7 जुलाई के बाद अभी तक किसी भी वंदे भारत का इनॉग्रेशन नहीं हो पाया है, तो ऐसे में एक लंबा गैप बन चुका है वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर। तो इसको लेकर दोस्तों रिपोर्ट्स है कि इस बार भी यानी कि अगस्त के महीने में जब भी लॉन्चिंग होगी आपको एक साथ 5 लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि 5 नए रूट पर एक साथ ही वंदे भारत को हरी झंडी मिलने वाली है। और ये पांचों कौन कौन से रूट्स हैं इस पर भी जल्द डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इससे पहले दोस्तों पटना और हावड़ा के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन डेट है वो कई बार निकाला जा चुका है और सभी डेट ही अभी तक फेलियर साबित हुए हैं। पहला डेट निकाला गया था 6 अगस्त को, दूसरा था 15 अगस्त को और 15 अगस्त को तो सभी को लगा कि इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन 15 अगस्त को भी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। देन इसका इनॉग्रेशन डेट 23 अगस्त को निकाला गया और 23 अगस्त को भी इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हमें देखने को नहीं मिला। और अभी ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले 30 अगस्त 2023 तक हमें इन पांचों रूट पर इनॉग्रेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पटना और हावड़ा के बीच में इस वंदे भारत की शुरुआत होने के बाद आपको बहुत ही एक हाईटेक ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है पटना और हावड़ा के बीच में। वैसे तो अभी पटना और हावड़ा जाने के लिए जनशताब्दी विभूति हावड़ा दुरंतो हावड़ा मेल पटना हावड़ा सुपरफास्ट राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस पूर्वा एक्सप्रेस डीडीएन हावड़ा एक्सप्रेस गरीब रथ हिमगिरी एक्सप्रेस अकाल तख्त एक्सप्रेस और कोलकाता राजधानी जैसी ट्रेनें आपको हावड़ा जाने के लिए देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इन सभी ट्रेनों में अब आपको हाईटेक सुविधा से लैस वंदे भारत ट्रेन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर ले पटना और हावड़ा के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का शेड्यूल टाइमिंग के बारे में, तो इसका जो शेड्यूल टाइमिंग है वो तो अभी फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि ये ट्रेन सुबह में 8 बजे पटना जंक्शन से खुलकर दोपहर 2:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी और करीब शाम में 4 बजे हावड़ा से खुलकर रात में 10:30 बजे के आसपास ये ट्रेन पटना वापस लौट आएगी। हालांकि ये टाइमिंग इस ट्रेन के लिए सही है या फिर नहीं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि सुबह के टाइम में जनशताब्दी का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा पटना से हावड़ा जाने के लिए और जनशताब्दी ट्रेन के टाइमिंग के आसपास ही हमारी वंदे भारत का भी टाइमिंग रखा गया है इंडियन रेलवे द्वारा। तो ऐसे में दोस्तों वंदे भारत ट्रेन पर भी इस टाइमिंग का बैड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि यात्री मिलने में इस वंदे भारत को दिक्कत का सामना करना पड़े। हालांकि दोस्तों अगर हम बात कर ले ट्रेवल टाइम की तो अभी हमारी वंदे भारत ट्रेन जनशताब्दी को पछाड़ते हुए आगे निकल जाती है, क्योंकि जनशताब्दी पटना
से हावड़ा पहुंचने में लगभग 8 घंटे का समय लेती है, वहीं हमारी ये वंदे भारत ट्रेन आपको मात्र 6.5 घंटे में ही पटना से हावड़ा या फिर हावड़ा से पटना पहुंचाने वाली है। लेकिन इस वंदे भारत का जो टाइम टेबल है वो जनशताब्दी के ऑपोजिट में सेट किया जाता है, तो इसे इस वंदे भारत ट्रेन का जो सक्सेसफुल होने का चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी आप लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं या फिर नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी देख लेते हैं कि 30 अगस्त तक भी पटना और हावड़ा के बीच में इस ट्रेन की लॉन्चिंग हो पाती है या फिर नहीं, और इसको लेकर कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।